हेलो व्यूअर्स, मैं संचित शर्मा आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं हमारी एकदम फ्रेश वीडियो में। ये आज के वीडियो बनाने वाले हैं दो, ये वीडियो थोड़े पुराने कंसेप्ट पे है, लेकिन देखते हुए आप लोगों की डिमांड की इस वीडियो को शूट कीजिए सर, हमें बहुत हेल्प होगी, हमें जानना है ये वीडियो में कैसे प्रिंटिंग करते हैं और ये इस प्रोडक्ट को कैसे प्रिंट करें, इस मशीन को कैसे चलाते हैं। तो थोड़ा लेट है हम, लेकिन ऑब्वियसली हम लोग ये वीडियो लेके आए हैं ताकि आप लोगों की मदद कर सकें। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग जान सकें कि कैसे इस मशीन को ऑपरेट करते हैं और कैसे इस मशीन के अंदर जो प्रोडक्ट है, जो मेजर इस मशीन का प्रोडक्ट है, उसको प्रिंट करते हैं। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बिना स्किप करें आप जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझा सकें। सो जैसे कि अभी मैं आपको इंट्रो में बता रहा था कि हम 3D मशीन के ऑपरेशन इसमें दिखाने वाले हैं आपको प्रॉपरली। सो इस मशीन को ना मैं आपको एक ओवरव्यू दिखाता हूँ कि क्या क्या इस मशीन के अंदर होता है। सो बहुत ही सिंपल मशीन है, लेकिन दिखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगती है, लेकिन है बहुत सिंपल। इसके अंदर भी जैसे हमारी एक मैनुअल हीट प्रेस के अंदर जो कमांड्स होते हैं वैसे ही कमांड्स हैं, जैसे कि इसका पावर बटन है, ये टाइमिंग सेटिंग है, टेम्परेचर की सेटिंग है, इसमें कॉइल्स को हीट करने के लिए आप मैनुअली हीटिंग करते हैं, और टाइमिंग स्टॉप या स्टार्ट करने के लिए ये होता है, और वैक्यूम देने का, ठीक है। सो ये बेसिक कुछ उसके इसके ऑपरेशंस के वो होते हैं, मॉड्यूल है ये। तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ क्या। जब आपको मशीन मिलेगी सो कुछ ऐसी मशीन रहेगी, ये तो हमने थोड़ी अपनी पुरानी मशीन में आपको डेमो दिखा रहे हैं, जो आपको फ्रेश मशीन मिलेगी उसके अंदर आपको साथ में अटैचमेंट मिलेंगे, एक तो पेयर मिलेगा ग्लव्स का, ठीक है। जो आपको ब्रांड न्यू मशीन मिलेगी उसके अंदर आपको एक ब्रांड न्यू ग्लव्स का पेयर मिलता है, इंपोर्टेड का, ये हमारे इंडियन है, हमारे पास इंडियन और इंपोर्टेड दोनों अवेलेबल होते हैं हमेशा, ठीक है। सो आप हमारे से बाय कर सकते हैं इफ़ यू नीड। साथ में उसके आपको एक वैक्यूम की जो ये शीट होती है एक लगी हुई आती है, और एक एक्स्ट्रा शीट भी मिलती है। सो कोई भी बंदा अगर आप कहीं से मशीन लें, हमसे लें, या किसी से, मेक श्योर कीजिएगा कि आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर मिलें। एक अंदर आपको शीट मिलती है और एक एक्स्ट्रा भी आती है, यही एक वैक्यूम बनाने वाली स्कर्टिंग बोलते हैं इसको, या तो ये होता है जिससे एक अंदर एयर ना जाए, एयर कहीं बाहर से पास ना हो, तो इसका काम ये होता है कि एक गैप बना के रखे इसके अंदर। सो आपको ये एक लगी हुई आती है और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा मिलती भी है। सो ये इसका जो मेन पर्पस होता है कि जब आप इसके अंदर वैक्यूम बना रहे हैं सो यहाँ पे कोई भी एक गैपिंग ना छूटे, कहीं भी ओवरऑल कॉर्नर्स में कोई भी गैप ना छूटे, ताकि जब आप इसके अंदर वैक्यूम बनाएंगे, जैसे अगर मैं वो करके दिखाऊं, जब वैक्यूम बनाएंगे सो ये प्रॉपरली इसको वैक्यूम ले और कहीं से भी एयर पास ना हो। अगर इसके अंदर एयर पास होगी तो मशीन वैक्यूम क्रिएट नहीं करेगी। आप देखिए जैसे ये वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, देखिए कैसे रबड़ अपने आप अंदर जा रही है, ये इसके अंदर ये आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, अगर इसमें गैप होता तो ये रबड़ अंदर नहीं जाती बिल्कुल भी। और देखिए कैसे ये पूरा एकदम दबा चुका है इसको, ये देखिए, ये देखिए अभी इसके अंदर प्रॉपर नहीं था तो वो वैक्यूम नहीं ले रहा था, अब देखिए कैसे इसको वैक्यूम प्रॉपरली ले लिया है, ये देखिए आप। सो अगर इसके अंदर हल्का सा भी गैपिंग रहती है सो ये वैक्यूम नहीं बनेगा कभी भी, लेकिन अगर इसके अंदर गैपिंग नहीं होगी, जो कि एक मशीन का मेन जो पर्पस है इस मशीन का, कि जो प्रेशर है उसको थ्रू वैक्यूम करे, सो वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये गैपिंग ना हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें और एक फ्लैट प्रेस मशीन में क्या डिफरेंस होता है। सो बेसिकली जैसे मैंने अपनी पुरानी प्लेट वाली वीडियो में भी आप लोगों को समझाया था कि एक जो मैनुअल मशीन होती है, हीट प्रेस मशीन होती है, एक मग प्रेस मशीन होगी या एक मैनुअल हीट प्रेस मशीन होती है, उसके अंदर हम जो प्रेशर करते हैं, जो प्रेशर देते हैं वो हम मैनुअली देते हैं। जैसे हमने लीवर को पुल करा, दबाया तो वो अपनी जगह पे स्टेबल हो गया, सो वो एक मैनुअली प्रेशर हमने दिया है उसको एक मेटल के थ्रू। लेकिन इस मशीन के अंदर क्या होता है, इसमें एक फ्लेक्सिबल सिलिकॉन रबड़ होती है ये, जो कि एयर सक करने की वजह से अपनी शेप में चिपक जाती है नीचे, वैक्यूम क्रिएट होता है तो ये नीचे की तरफ सक हो रहा होता है एयर, जो यहाँ पे एक पाइप लगा होता है, ये देखिए आप, ये पाइप लगा हुआ है ना, ये हमारे पीछे से एक मोटर होती है, जो मोटर से एक एयर प्रेशर क्रिएट करती है जिससे ये अपने अंदर सक करता है, सक करने के बाद ये कुछ इस तरीके से अंदर वैक्यूम क्रिएट करता है। सो ये क्या होगा, ये प्रेशर जो है ये अंदर की तरफ लेगा, इससे क्या होता है, ये कर्व सरफेस के ऊपर, जैसे प्लेट्स जो हमारी 3D प्लेट्स होती हैं वो कर्व्ड होती हैं, और जो हम आज की प्रोडक्ट में हम दिखाने वाले हैं वो है ये 3D मोबाइल कवर, ये प्लास्टिक हार्ड केस मोबाइल कवर जो होते हैं इनको प्रिंट करके दिखाएंगे हम। सो इनके अंदर क्या होता है, ये साइड्स में कर्व्स होते हैं, ये अगर ये कर्व्स को हमें प्रिंट करना है तो हम एक मैनुअल हीट प्रेस मशीन के अंदर नहीं कर सकते, बिकॉज जब हम मैनुअली प्रेशर देंगे तो ये साइड से प्रेशर नहीं लेगा, और जहाँ जहाँ वो हीटर नहीं देगा वहाँ पे वाइट पैचेस रहते हैं। सो ड्यू टू
बिकॉज ये एक फ्लेक्सिबल मशीन है, ये एक फ्लेक्सिबल रबड़ है, ये साइड से भी प्रेशर इक्वली देता है जिस तरीके से एक वो सेंटर में देता है, इसलिए कोई भी कर्व सरफेस को, कोई भी मुड़ी हुई चीज़ को अगर हमने प्रिंट करना है तो उसके लिए हमें ये मशीन कंपलसरी चाहिए। 3D वैक्यूम मशीन का यही काम है। सो आज मैं आपको प्रिंट करके दिखाने वाला हूँ हमारा मोबाइल कवर इसके अंदर। सो आइए बेसिक स्टार्ट करते हैं इसके अंदर कि कैसे इसको ऑपरेट करते हैं। मैं कैमरा थोड़े पास ला के आपको दिखाता हूँ। सो आपको जब मशीन मिलेगी तो आपको कुछ इस तरीके का डिस्प्ले शो होगा। देखिए ये अभी डिस्प्ले में आपका कोई भी कमांड नहीं चल रहा है, मैं कुछ भी दबा लूँगा ये कमांड नहीं चलेगा। अभी ये क्लॉक और टाइमिंग दिखा रहा है, डे और टाइमिंग दिखा रहा है, ठीक है जी। अब इसको हम दबा देंगे। अब जब इसको हम चालू करेंगे सबसे पहले आप दबाएंगे पावर का बटन। सो आपको अब ये डिस्प्ले दिखेगा जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पर जो दिखता है आपको टेम्परेचर दिखता है और राइट हैंड साइड में दिखता है टाइमिंग। वही चीज़ जैसे आप एक मैनुअल हीट प्रेस में देखते हैं, एक टाइमिंग होती है एक टेम्परेचर होता है, वही आपको वैसे दिख रहा है। अब इसमें अगर आपको टाइमिंग को चेंज करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, टाइम वाली सेटिंग को ऐसे बटन को दबाएंगे, ये देखिए ये फ्लैश होने लग जाएगा। जैसे ये फ्लैश होगा इसको अगर हमें कम करना है तो कम कर लेंगे, बढ़ाना है तो बढ़ा लेंगे। यूजुअली हम लोग मोबाइल कवर के लिए 8 मिनट्स को रेकमेंड करते हैं 190 डिग्रीज पे। तो ये हमने सेट करा हुआ है, इसको हमने सेट कर लिया, टाइमिंग बटन दोबारा दबाएंगे, हमारा 8 मिनट ऐसे जब फ्लैश होना बंद हो जाएगा सेट हो गया है। अब हमारा टाइम 8 मिनट पे सेट है। इसके बाद हम लोग टेम्परेचर सेट करते हैं, टेम्परेचर का भी सेम कंसेप्ट है, टेम्परेचर दबाएंगे ये फ्लैश होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये फ्लैश होना शुरू होगा इसमें आप उसको माइनस दबाएंगे तो कम हो जाएगा, प्लस दबाएंगे तो ये बढ़ जाएगा। ये देखिए इसको हम लोग दोबारा दबाएंगे, टेम्परेचर सेट हो गया है। अब इसको अगर हमने हीटिंग स्टार्ट करनी है, बिकॉज अभी ये मशीन आप देखिए मैं हाथ लगा रहा हूँ ठंडी है बिल्कुल, जब तक मैं इसको मैन्युअली बोलूँगा नहीं कि हीट चालू हो जा, ये हीटिंग चालू नहीं होगी। तो हम ये हीटिंग वाला बटन जो राइट में टॉप में होता है यहाँ पे, ये हीटिंग वाला बटन मैं इसको दबाऊँगा अब ऐसे। अब आप देखेंगे इसके ऊपर ये एक लाल बत्ती जल रही है। इससे क्या होता है आपकी लो नीचे की जो वो होती है कॉइल्स, जो यहाँ पे नीचे कॉइल्स होती हैं वो हीट होनी स्टार्ट हो गई हैं। मैं दोबारा दबाऊंगा तो उससे यहाँ पे देखिए ये 3D मशीन है, ये नीचे से और ऊपर दोनों तरफ से हीटिंग करती है ताकि आपके कहीं से भी अनइवननेस ना रहे और जो भी कर्व सर्फेस है उनको प्रॉपर प्रिंटिंग हो जाए। तो अब यहाँ पे और नीचे दोनों तरफ पे टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, हीटिंग होनी स्टार्ट हो गई है। जैसे ही ये मशीन 190 पे पहुँचेगी ये सिग्नल देगी एज यूजुअल सारी मशीनों की तरह, बीप बीप करेंगी जिसपे हमें पता चल जाएगा कि अब ये हीटिंग स्टार्ट हो गई है। वन से हमारी मशीन हीट हो जाए उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मोबाइल कवर को अंदर सेट करते हैं और प्रिंट करके दिखाता हूँ। सो इस मोबाइल कवर को 3D मोबाइल कवर को ये देखिए आपको इस तरीके से ब्लैंक मोबाइल कवर मिलेंगे। सो इनकी प्रिंटिंग करने के लिए दो मेन चीज़ें हैं, आपको एक हार्ड केस चाहिए ऐसा जो प्लास्टिक में आता है, ये आपको इंडियन और इम्पोर्टेड क्वालिटी दोनों में अवेलेबल होगा मार्केट में ये, और इसके साथ आपको चाहिए होते हैं मेटल डाई या डाई। डाई का जो पर्पस होता है ना, इसका जो पर्पस होता है डाई का कि जब हम लगाएंगे इसको, और जैसे देखिए मैंने ये डाई को इस पर सेट करा, तो जस्ट बिकॉज ये एक प्लास्टिक मोबाइल कवर है, ठीक है, जब ये इतनी हाई टेम्परेचर में 200 डिग्रीज के अंदर जब इसके अंदर जाएगा ये पिघल सकता है और अपनी शेप बदल सकता है। तो ये शेप ना बदले और इसकी शेप इंटैक्ट रहे इसलिए हम लोग मेटल डाई को यूज़ करते हैं, ठीक है। और वी रेकमेंड कि आप इसमें मेटल डाई ही चलाइए, जस्ट बिकॉज इसके अंदर जो अगर आप वुडन डाई यूज़ करेंगे तो वो क्या होता है मॉइस्चर छोड़ती है, मॉइस्चर ऐसे अंदर पाइप के थ्रू मोटर के अंदर जाता है जिससे आपकी मशीन की लाइफ बहुत बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। सो वी रेकमेंड कि आप मेटल डाई दीजिए। मेटल डाई में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, हमारे पास जो होती है CNC राउटेड कट जो होती है उसकी यूनिवर्सल सेट आता है, 50 पीसेस का सेट आता है वो, तो वो आपको हमारे से अवेलेबल हो जाएगा जो आप इस मशीन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अभी इसमें मोबाइल कवर में 3D मोबाइल कवर में काम करना चाहते हैं तो आपको ये ऑप्शन अवेलेबल है। नीचे नंबर दे रहे हैं फ्लैश कवर नंबर, आप देख सकते हैं, इन पर आप ऑर्डर कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर हमें कनेक्ट कर सकते हैं। सो जैसे कि ये दो चीज़ें सही होती हैं, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे सेट करेंगे इस मोबाइल को। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने प्रिंट निकाल के रखा हुआ है, रेगुलर प्रिंट है, सब्लिमेशन पेपर से हमने प्रिंट निकाल के रखा हुआ है। इसके जो आप हाइट एंड विड्थ मेजर कर सकते हैं अपने, सो अब इसको हम लोग ऐसे सेट कर लेंगे। ये देखिए ये हमने इसको सेट करा, अब ये हम लोग ऐसे इसको पेपर को यूँ लगा लेंगे, इसको आप देख लेंगे कहीं से हंस नहीं रहा है, तो इसको पहले हम एक साइड से ऐसे, आप या तो इसको अंदर टेप भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग प्रेफर नहीं करते टेप को यूज़ करना बिकॉज हम थोड़ा इसको ऐसे ही सेट करना चाहते हैं, ठीक है। अब आपने इसको लिया यहाँ से, इसको फोल्ड किया जैसे, डिजिटल
आप देख लेंगे इक्वली अपने जगह सेट है, इसको आपने ऐसे लिया और यूँ इसको आपने ऐसे सेट कर लिया। द ओनली पर्पज कि हम लोग टेप यूज़ नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज कि अगर हम टेप यूज़ करते हैं कभी कभार ना ऊपर एक बबल आ जाते हैं, ऐसे गैपिंग आ जाती है, गैपिंग आने की वजह से वाइट पैचेस छूटने लग जाते हैं, ठीक है। सो हम लोग इसको इसलिए हम लोग टेप यूज़ नहीं करते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे मेजर स्टेप ये है कि मोल्ड को हीट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी मशीन चाहे 200 डिग्री पे हो, अगर मोल्ड गर्म नहीं होगा तो ये मोबाइल कवर को प्रिंट नहीं करेगा ढंग से, आपके इंक प्रॉपर ट्रांसफर नहीं होगी, वाइट पैचेज आपको दिखेंगे, ठीक है। सो आपका जो सबसे मेजर स्टेप होना चाहिए कि आप मोल्ड को अच्छे से गर्म करें। तो जब तक हमारी मशीन हीट हो रही है उसी में आप इसको मोबाइल को ऐसे रख दीजिए, ठीक है, और इसको वैक्यूम मेक श्योर कीजिएगा कि आप ग्लव ज़रूर यूज़ करें बिकॉज वरना आपका हाथ जल सकता है और ये मशीन बहुत जल्दी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है। सो मेक श्योर कीजिएगा ये हीटिंग ग्लव्स आप ज़रूर यूज़ करें जब भी आप 3D मशीन के साथ काम कर रहे हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हीट में काम होता है। 200 डिग्री इज़ नॉट अ गुड नॉट अ यू नो स्मॉल थिंग। सो आप इसके अंदर इसको ऐसे सेट कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे वैक्यूम दबाने के लिए दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, आइए कैमरे को आगे ला के दिखाते हैं। वैक्यूम दबाने के लिए आप इसका वैक्यूम बटन दबाएंगे, उसके बाद इसको ऐसे हम सेट करेंगे। आप देखेंगे धीरे धीरे ये वैक्यूम होगा, हम इसको ऐसे यहाँ से प्रेस कर लेंगे ताकि कहीं से भी कोई गैपिंग ना रहे। कैसे इसने, अब आपको जो मैं कंसेप्ट समझा रहा था कि ये साइड से भी इसको प्रेशर देता है, ये देखिए साइडों से भी इनको प्रेशर देता है प्रॉपरली ताकि कहीं गैप नहीं रहता, जो एक मैनुअल मशीन नहीं कर पाती। सो ये 3D मशीन का कंसेप्ट ये रहता है कि आप इसको अच्छे से हर जगह से इवनली प्रेशर दे सकें। अब इसको हम क्या करेंगे, जो हमारे इनिशियल 2 मिनट हैं मतलब 120 सेकेंड या आप लगा लीजिए 1 से 1.5 मिनट को हम मोल्ड को हीट होने देंगे इसके अंदर, जब तक हमारा टेम्परेचर रीच कर रहा है 190 पे। इसको हम 2 मिनट पहले ऐसे ही रखेंगे, उसके बाद इसकी टाइमिंग स्टार्ट करेंगे जस्ट बिकॉज कि मोल्ड अगर अच्छे से हीट होगा तब ये मोबाइल कवर अच्छे से प्रिंट होगा। अगर मोल्ड हीट नहीं हुआ और आप सोचें कि मैं 8 मिनट में इसको निकाल देता हूँ, आपका मोबाइल कवर प्रिंट होकर नहीं निकलेगा। सो बहुत लोग क्या करते हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं वो मोल्ड्स को प्री हीट करके रखते हैं, तभी उनके साथ लगाते रहते हैं, यूज़ करते रहते हैं, चेंजेस करते रहते हैं। सो मोल्ड की हीटिंग बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको पतले मोल्ड भी मिलेंगे मार्केट जो हमारे पास होते हैं, जो बहुत जल्दी हीट हो जाते हैं, 1 से 1.5 मिनट के अंदर अच्छे खासे हीट हो जाते हैं और आपके प्रिंटिंग की टाइमिंग को बचाते हैं, जो कि आपको बिजली के मतलब सेविंग भी देंगे अगर आप लोग घर से यूज़ कर रहे हैं या आप कहीं भी यूज़ कर रहे हैं। सो इस तरीके से अब इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि टाइमिंग कैसे स्टार्ट करते हैं। जब ये हीट हो जाएगा उसके बाद आप टाइमिंग ऐसे यहाँ पे ये टाइमिंग बटन है ये आप दबाएंगे तो ये टाइम स्टार्ट हो जाएगा और ये रिवर्स में शुरू हो जाएगा। सो अभी जैसे हमने ये मशीन में रखा था, बोल्ट भी गर्म था, सब कुछ था, हमने टाइमिंग स्टार्ट कर दी थी जिस तरीके से मैंने आपको समझाया था वैसे ही टाइमिंग स्टार्ट करनी है। आप देखिए मोबाइल कवर रेडी है, मशीन हमारी बीपिंग कर रही है, ये इंडिकेशन आपको आएगी जब आपकी मशीन जब मोबाइल कवर प्रिंट होकर रेडी हो जाएगा। इसको आप कुछ नहीं करना, ये टाइमिंग वाला बटन दबाएंगे ये वापस अपने स्टैंडर्ड पर आ गई है, ठीक है। जब मोबाइल कवर रेडी होगा ये देखिए आप कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये मेक श्योर कीजिएगा ग्लव्स ज़रूर पहने बिकॉज आप 200 डिग्री के अंदर काम कर रहे हैं, तो ये जले नहीं आपके हाथ और आप लोग सेफ्टी के साथ काम करें, ये ग्लव्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मोल्ड भी बहुत ज़्यादा गर्म होगा इस टाइम पर। इसको आप निकालें, सबसे मेजर काम जो आप इसको प्रिंट करके निकाल लें कि इसको हमने अब शेप देनी है। इसको शेप देंगे हम क्योंकि ये मोबाइल का थोड़ा बड़ा होता है मोबाइल के साइज़ से, तो आप इसको ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे दबाएंगे, ये ऐसे कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ ऐसे आप दबाएंगे कॉर्नर्स को ताकि इसकी फिटिंग में कोई इशू ना आए कहीं से भी। इधर से आप ऐसे दबाएंगे इनको, इसको ऐसे भी आप दबा सकते हैं, ये थोड़ा इसको हम अंदर की तरफ ऐसे दबाते हैं कॉर्नर से साइड से ताकि ये इसकी ग्रिप अच्छी बने मोबाइल कवर के ऊपर। मोबाइल के ऊपर जब आप इसको रखेंगे तो इनकी ग्रिप प्रॉपर आनी चाहिए। ये देखिए इतना गर्म है, इस ग्लव्स में हमें हीट लग रही है, तो आप सोचिए अगर आप बिना ग्लव्स के काम करेंगे तो कैसा लगेगा। इसको आप इसको ऐसे करेंगे ये ताकि अपनी शेप प्रॉपर ले ले। ये देखिए जी को देखा, ये बाई चांस मोबाइल ठंडा हो गया उसके बाद आपको शेप देने में बहुत दिक्कत आएगी, वो आपको रीहीट करना पड़ेगा मोल्ड में रख के एंड ऑल दैट, वो हम उसके क्या होता है बहुत बार मोबाइल कवर ख़राब हो जाते हैं। तो आप इसको ऐसे शेप देंगे, ये बस शेप आ जाए आप इसको चेक कीजिएगा कि आपका शेप एकदम सही है। हम लोग ऐसे कवर निकाल देंगे, अब इसको आप ऐसे रख के देख सकते हैं कि इसकी शेप कहीं से ख़राब नहीं हुई है, कहीं से ख़राब हो रही है तो आप गर्म में इसको ठीक कर सकते हैं आराम से। ये हमारा मोबाइल कवर प्रिंट होके रेडी है, याद देख सकते हैं कितना अच्छा लुक्स आया है ये।
इसको, इसके अगर आपने हीटिंग चेक करनी है, शेप चेक करनी है, तो आप इसको एक प्लेन सरफेस पे रख के देख सकते हैं। जैसे अगर हम प्लेन सरफेस पे रखें कहीं भी, सो अब आपको जैसे मैं दिखा रहा था, एक प्लेन सरफेस को रख के देखिए कि कहीं से भी इनबैलेंस तो नहीं है। कॉर्नर दबा के देखिएगा कि कहीं से उठ बैठ तो नहीं रहा। अभी अगर एकदम स्ट्रेट है, कहीं से भी इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब आपका मोबाइल कवर एकदम परफेक्ट बना है, कॉर्नर एकदम परफेक्ट है। ये मोबाइल कवर की आप फिनिश देख सकते हैं किस तरीके से आई है। ये हमारे 3D मोबाइल कवर है, इम्पोर्टेड क्वालिटी का, यहाँ देख सकते हैं इसकी क्वालिटी। अगर आपको बैक में ये दिक्कत है, अगर आपको पसंद नहीं आए कि ये बैक में पेपर में प्रिंट का आ रहा है, तो आप अंदर एक पेपर लगा सकते हैं, एक पहले ब्लैंक पेपर लगाइए ताकि प्रिंट उसके ऊपर चढ़े, मोबाइल कवर के ऊपर ना चढ़े, ठीक है। और इसको मशीन को आप इसको जब आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप इसको ऐसे पावर बटन दबाएंगे, ये बंद हो जाएगी और टेम्परेचर अपना नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। सो ये एक बेसिक आपको पूरा आइडिया दिया है कैसे ये मोबाइल कवर प्रिंट होता है। सो इस वीडियो में आपको मैंने बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द प्रोसेस जो इस मशीन का होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब ये मोबाइल कवर ठंडा हो गया, अब ये मोल्ड भी आपका ये रीयूज आराम से कर सकते हैं आप। मोबाइल कवर के मोल्ड में आप मेटल पे ही जाइएगा, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट, बिकॉज अगर आप वुडन में जाते हैं आपकी मशीन खराब होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो ऐसे ही कंसेप्चुअल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको हम लोग दिखाते रहेंगे कैसे कैसे कौन सी चीज़ प्रिंट होती है, नए नए प्रोडक्ट लाते रहेंगे और उनकी प्रिंटिंग वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। सो अपने यारों दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें हमारे YouTube चैनल को, और नीचे नंबर फ्लैश हो रहे होंगे। अगर आपको कोई ऑर्डर प्लेस करना है तो हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, WhatsApp पे कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे आप किसी तरीके से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए हमारे पेज को, और अपना प्यार बनाए रखें।